राशिफल के माध्यम से आप अपने आने वाले जीवन में जो परेशानियां हैं उसके बारे में जान सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, प्रेम और नौकरी से जुड़ी जानकारियां भी आपको मिल सकती है। तो राशिफल के बारे में जानेंगे, उसके पहले आपको बताते हैं क्या आपके भी बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आपके लाख कोशिश के बाद भी वो पढ़ाई नहीं करते हैं। यूं तो बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगना सामान्य है, लेकिन अगर ये समस्या अत्यधिक है तो माता पिता के लिए चिंता का कारण भी बन सकता है। वहीं आज आपको एक ऐसा उपाय के बारे में बताऊंगी जिससे करने के बाद आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगे। ये छोटे छोटे उपाय आपके घर के आसपास ही मौजूद होते हैं, बस आपको इससे जानने की जरूरत होती है। तो सही तरीके से करने की जरूरत है इस उपाय को। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ उपाय है जिसको करने के बाद आपके भी बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। विद्यार्थी एक बांसुरी खरीद कर लाए या उसे कोई भेंट कर दे और उसमें बांसुरी के ऊपर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। इसे आप रोली से या सिंदूर से लिखे। विद्यार्थी एक बांसुरी खरीद कर लाए या उसे कोई भेंट कर दे और इस बांसुरी के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखे। इसे आप रोली या सिंदूर से ही लिखे। इसे ईशान कोण में लटका दे अध्ययन कक्ष में। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने पुस्तकों में मोर पंख रखे। गरीब बालक बालिकाओं को मुफ्त में पुस्तकें बांटे। नाम्रपत्र के ऊपर उकेरा हुआ सरस्वती यंत्र लाए और प्रतिदिन इसका पूजन करे। पढ़ाई से विचलित विद्यार्थियों के गले में लॉकेट बनाए सरस्वती यंत्र का। पहले इसकी पूजा करे, अच्छे पंडित से प्राण प्रतिष्ठान करवाए और फिर बच्चे के गले में ये धारण करवाए। पढ़ते वक्त उत्तर या पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठे। अभिमंत्रित किया हुआ शुद्ध पढ़ने का रत्न धारण कराएं। इससे आपको काफी फायदा होगा। इन उपायों को करने के बाद आपको महसूस होगा कि आपके बच्चे की पढ़ाई में पहले से बहुत अधिक सुधार है और आपका बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है। अब बात करते हैं राशिफल की और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। आज के दिन आप मेहनत तो पूरी करेंगे, लेकिन भाग्य शायद आपका साथ ना दे। ऐसे में निराश होने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि कुछ परिणाम मिलने में देर लगती है। और अब बात करते हैं राशिफल के बाद शुभ रंग और अंक की। आपका शुभ रंग नीला है और शुभ अंक 4 है। मेष के बाद वृष राशि की बात करते हैं। अपने ऑफिस में आपको लेकर एक अच्छा वातावरण बनेगा और सभी आपके काम से खुश भी दिखाई देंगे। परिवार में कोई मेहमान भी आ सकता है। और अब राशिफल के बाद आपको शुभ रंग और अंक बता देती हूँ। आपका शुभ रंग जो है सेलेटी है और शुभ अंक 3 है। वृष के बाद अब बात करते हैं मिथुन राशि की। अचानक से धन लाभ मिलने के संकेत है, लेकिन इसके लिए आपको सजग रहने की आवश्यकता है। किसी के साथ सब बात साझा करने से भी बचें। और राशिफल के बाद शुभ रंग और अंक आपका जान लेते हैं। आपका शुभ रंग ग्रे है और शुभ अंक 6 है। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, इसलिए अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। बाहर का या तला भुना खाने से बचे और घर का बना पौष्टिक आहार ही खाए। राशिफल के बाद शुभ रंग और अंक आपका जान लेते हैं। आपका शुभ रंग नीला है और शुभ अंक 6 है। और अब बात करते हैं शुभ रंग और अंक के बाद सिंह राशि की। व्यापारियों को अपने प्रतिद्वंदियों से पूरी चुनौती मिलेगी और हाथ से कुछ सौदा निकल भी सकता है। ऐसे में निराश ना होए, क्योंकि भाग्य कब बदल जाए किसी को नहीं पता होता है। राशिफल के बाद शुभ रंग और अंग आपका जान लेते हैं। आपका शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 3 है। और अब कन्या राशि की बात करते हैं। किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए बेवजह के विवाद में पड़ने से अच्छा है इसे बचा जाए और सभी के साथ सकारात्मक व्यवहार किया जाए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग आसमानी है और आपका शुभ अंक 7 है। और अब बात करते हैं कन्या के बाद तुला राशि की। यदि आप विवाहित हैं तो आज का दिन आप दोनों के लिए अत्यंत शुभ है। आप अपने साथी के साथ घर के पास ही कहीं बाहर जाने का प्लान अवश्य करें, जिससे दोनों के बीच प्रेम में बढ़ोतरी होगी। चलिए शुभ रंग और अंक आपका जान लेते हैं। आपका शुभ रंग संतरी है और शुभ अंक 9 है। शुभ रंग और अंक के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। अपनी माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आज के दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में सही नहीं है। साथ ही यदि आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी को बाहर जाने देने से बचें। चलिए आपका शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग हरा है और शुभ अंक 5 है। और अब वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं।
परिवार में कुछ उत्तरदायित्व आपके कंधों पर भी आएगा, लेकिन आप उन्हें भली भांति परिपूर्ण करेंगे, जिससे सभी आपसे खुश दिखाई देंगे। और अब आपका शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग गहरा नीला है और शुभ अंक 2 है। शुभ रंग और अंक के बाद मकर राशि की बात करते हैं। छोटे छोटे बातों पर क्रोध आ सकता है और बाकी दिनों के अपेक्षाकृत आज आपका मन कुंठित सा रहेगा। ऐसे में मन को शांत रखें और भगवान का ध्यान लगाएं। और अब शुभ रंग और अंक आपका जान लेते हैं। आपका शुभ रंग पीला है और अंक 1 है। और अब कुंभ राशि की बात करते हैं। अपने करियर में बदलाव की भावना मन में आएगी और आप इसके लिए सक्रिय रूप से प्रयास भी शुरू कर देंगे। ऐसे में किसी भी चीज की जल्दबाजी से बचे और सोच समझ कर ही कोई निर्णय ले। राशिफल के बाद आपका शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग बैगनी है और शुभ अंक 8 है। और अब अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। जो काम आपके कुछ दिन से रुके या अटके पड़े थे, आज के दिन उन्हें गति मिलेगी और आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। किसी के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग भूरा है और शुभ अंक 7 है। चलिए बोलते तारे में हमने आपको सिर्फ राशिफल ही नहीं, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा उपाय आपको बताया जाए। आज हमने बात की कैसे बच्चों का पढ़ाई में मन लगाया जाए। ऐसे ही रोज नए नए विषय आपके लिए लेकर आऊंगी और आपके परेशानियों पर भी बात करेंगे। और फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।